चीन में आग बरस रही है। खबर है कि चीन के कई शहरों में गर्मी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालत यह है कि वहां के मौसम विभाग ने कई शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया और लोगों से घरों में रहने की अपील कर दी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोगों को हीट स्ट्रोक की वजह से भर्ती कराना पड़ रहा है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में पारा 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। शंघाई नहीं, सिचुआन प्रांत में भी हालत खराब है। गर्मी ने कई शहरों में आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं। चीन के एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे शहर हैं जहां पर लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। अस्पतालों में बढ़ते मरीज वहां की एजेंसियों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। चीन के शहरों में गर्मी का ऐसा हाहाकार पहले कभी नहीं देखा गया। वहां के लोगों के लिए खुले में निकलना ही जान दांव पर लगाने जैसा साबित हो रहा है। खासतौर पर दक्षिणी चीन के कई शहर ऐसे हैं जहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं। अलग अलग शहरों में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों को अब तक अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर है। वहां के डॉक्टरों के मुताबिक अगर गर्म मौसम की वजह से शरीर का तापमान 40 डिग्री के पार चला जाए और दिमाग काम करना बंद कर दे तो उसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है, और ऐसा वहां के कई लोगों के साथ हो चुका है। कई लोगों के शरीर के अंगों ने हीट स्ट्रोक के बाद काम करना बंद कर दिया तो कुछ के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पता चला है कि हीट स्ट्रोक का शिकार हुए लोगों में केवल वही नहीं है जो खुले में निकले हों, बल्कि एक आदमी को तो अपने घर की रसोई में काम करते हुए ही अचानक हीट स्ट्रोक पड़ा और वो बेहोश हो गया। चीन में अब तक हीट स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए एक आदमी की मौत की जानकारी सामने आई है, लेकिन माना जा रहा है कि मरने वाले लोगों की गिनती इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है।